बीएससी सेकेंड ईयर जेनेटिक्स के लेक्चर्स में आज हम लोग मेंडेलिज्म में पहला लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें तीन नियम आते हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार कि अगर किसी इंडिविजुअल के जो दो एलील्स हैं वो अलग हैं, मतलब कि वो इंडिविजुअल अगर विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस है तो उसमें से उसका एक ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होता है और दूसरा नहीं होता। जो उसका कैरेक्टर विजिबल होता है उसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं और जो विजिबल नहीं होता है उसको रिसेसिव कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर जो इंडिविजुअल है ये क्रॉस होता है जिसमें कैपिटल बी और स्मॉल बी जो है ये गैमेट्स हैं, तो इसमें जो कैपिटल बी जो है ये स्मॉल बी के ऊपर हावी है या इसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैपिटल बी को डोमिनेंट और स्मॉल बी को रिसेसिव कहेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार कि जब किसी हाइब्रिड का निर्माण होता है तो उसमें दो अलग अलग प्रकार के अलील्स होते हैं जिसको हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन या विषम युग्मजी कहते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो उसका फिनोटाइप होता है उसमें डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस होता है और जो एलील एक्सप्रेस नहीं होता उसको हम लोग रिसेसिव कहते हैं। तो हाइब्रिड इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को दिखाता है और वो कैरेक्टर वो होता है जो उसका डोमिनेंट होता है। इसको हम लोग डोमिनेंस कहते हैं और ये इसी को हम लोग मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। इसको हम लोग एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट के क्रॉस से समझ सकते हैं। अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस टॉल इनटू होमोजाइगस ड्वार्फ करते हैं, होमोजाइगस टॉल का मतलब कि उसके जो अलील है दोनों ही क्रोमोजोम में कैपिटल टी है, मतलब वो सम युग्मजी या होमोजाइगस है, उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं स्मॉल टी से, तो जो पहली पीढ़ी आती है उसमें जो उसका जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाता है और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये हाइब्रिड हो जाता है क्योंकि इसमें दो अलग अलग एलील्स हैं और ये देखने में लंबा होगा, तो बौनेपन का कैरेक्टर पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं देता। तो जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को छुपा देता है या उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है उसको हम लोग डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं और जो नहीं एक्सप्रेस हो पाता उसको हम लोग रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जब हाइब्रिड में, यहाँ पर देख लीजिए जो हाइब्रिड है उसमें हमें सिर्फ कैपिटल टी वाला कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, टॉलनेस का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, ड्वार्फनेस का कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा, तो इससे ये प्रूफ होता है, ये हमारा मेंडल का पहला नियम जो है ये बताता है। इसको हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस कह सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, कल आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कराएंगे। थैंक यू।